तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कस्टमर केयर एंड सर्विस डेस्क प्रोफाइल में अंतर क्या है, कि इन दोनों में अंतर होता क्या है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, कस्टमर केयर जो प्रोफाइल होती है उस पर बेसिकली होता क्या है कि जब आप कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और वहाँ पर आप कस्टमर एज ए कस्टमर केयर जॉब करते हो ना, तो आपको क्या होता है वहाँ पर कस्टमर की क्वेरीज हैंडल करनी पड़ती है। फॉर सपोज आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखें यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जब इनके हम लोग कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर सर्विस, बिकॉज आप कस्टमर के लिए वहाँ पे काम करते हो। अगर उनकी कुछ क्वेरी है उनको रिजॉल्व करते हो, और कई बार जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं तो वहाँ पे आपका जो कस्टमर सर्विस होता ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका वहाँ पे सेल हुआ, उसके बाद उसमें कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो कस्टमर है वो आपको कॉल करेगा। यानी कि वो टोटली एक लैंडिंग स्टेशन वहाँ पे बना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे कॉल्स पूरी लैंड होती हैं, और फिर वहाँ से कॉल्स का फ्लो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोई ए पर्सन को, कोई बी पर्सन को, कोई सी पर्सन को। तो बेसिकली सारी कॉल्स एक लैंडिंग स्टेशन पे आते हैं और वहाँ से कॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारी जगह। और कई कंपनीज में सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं, वहाँ पे आपको सर्विस भी देनी पड़ती है उन प्रोडक्ट्स की, या कई बार आप प्रोडक्ट को सेल भी करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से होता है जो कस्टमर सर्विस पे काम करते हैं। बेसिकली अगर इसको सीधा सा बोलें तो कस्टमर केयर जो होते हैं तो 90% आपको वो कस्टमर सर्विस पे ही मिलते हैं, और उन्हीं को कस्टमर केयर को ही हम लोग कस्टमर सर्विस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं सर्विस डेस्क प्रोफाइल के बारे में। आप अगर आईटी सेक्टर में हो या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो एक प्रोफाइल होती है उसमें सर्विस डेस्क प्रोफाइल की, जो कि वो एक टिकटिंग टूल पे काम करते हैं पर्टिकुलर। जैसे टिकटिंग टूल होते हैं, अगर आप सपोर्ट की जॉब से हो या टेक्निकल हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टच में अगर आप थोड़ा सा हो, तो आपको पता होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टिकटिंग टूल यूज होता है। एक इंजीनियर को एक वर्क असाइन करता है जो कि टिकटिंग टूल के थ्रू होता है। सपोज अगर किसी के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, किसी के सिस्टम में हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे वो लोग ईमेल करते हैं, उसके थ्रू एक टिकट जनरेट होता है। वो जो टिकट नंबर जनरेट होता है ना, वो उसको कौन सी प्रायोरिटी देना है, किसको असाइन करना है, कितना टाइम है उस टिकट को रिजॉल्व करने का, उसका टैट क्या है, टर्न अराउंड टाइम जो होता है, तो इन सारी चीज़ों को वो सर्विस डेस्क प्रोफाइल के जो इंजीनियर्स होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं। अभी क्या होता है कि कई बार आपको लोग अमेजन वगैरह पे कॉल करते हैं, या मतलब किसी और काम के लिए जब हम लोग कॉल करते हैं, तो बेसिकली एक वो नंबर जनरेट करते हैं। आपने अगर कभी बैंकिंग सेक्टर में कोई कॉल किया हो, या मतलब कभी कोई ऐसी क्वेरी आई हो, तो वो एक टिकट नंबर जनरेट करके आपको दे देते हैं कि आपकी ये बेसिकली एक क्वेरी नंबर है, जो कि सर्विस डेस्क प्रोफाइल के जो बंदे होते हैं वो हैंडल करते हैं। इसमें आपको अराउंड 70-80% आपको मिल जाता है सिस्टम बेस्ड काम, और जो 20-30% आपका बचता है वो आपका कई बार कॉलिंग सपोर्ट पे भी होता है। वैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे आपको कॉलिंग का प्रोसेस कम दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर आपको उन टिकट्स को मैनेज करने के लिए आपको वहाँ पे बिठाया जाता है, जो कि आप इंजीनियर को फॉरवर्ड करते हो, क्योंकि डायरेक्टली एमएनसी कंपनी में आप टेबल शूटिंग के लिए डायरेक्ट इंजीनियर को कॉल नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट इंजीनियर के पास विजिट नहीं कर सकते हो। वो सबसे पहले एक टिकट जनरेट होगा, उस टिकट पे काम करेगा, क्योंकि उससे कंपनी को पता चलता है, क्लाइंट बेस कंपनी को पता चलता है कि आपका जो इंजीनियर है वो कितने टाइम में एक इशू का रेजोल्यूशन दे रहा है, या कितना टाइम उस इशू पे पर्टिकुलर वो ले रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो सर्विस डेस्क प्रोफाइल के बंदे हैंडल करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस और सर्विस डेस्क प्रोफाइल दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।